वेलकम टू दिल्ली बाइक। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BLIS के बारे में, उसके फुल कोर्स डिस्क्रिप्शन के बारे में, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट के ऊपर, एग्जाम के ऊपर, प्रैक्टिकल के ऊपर और इंटर्नशिप के ऊपर। इनफैक्ट हम लोग असाइनमेंट में कौन सा कोर्स कितने मार्क्स का होता है, असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड करना है जब आप किसी सेशन से बिलोंग करते हैं, एग्जाम में भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं BLIS के, प्रैक्टिकल के बारे में डिटेल में समझेंगे कि किस पेपर का क्या प्रैक्टिकल है, कितने मार्क्स का है, और इंटर्नशिप के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये जो इंटर्नशिप है ये BLII 230 के अंदर जो जून 2022 है उसके बाद से ऐड हुआ है। इससे पहले जून 2022 से पहले इंटर्नशिप का कोई नहीं एडिशन था BLIS की जब बात करते हैं। नाउ हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि BLIS से रिलेटेड अपकमिंग आप लोगों को बहुत सारे डिटेल्स लेक्चर्स देखने को मिलेंगे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, विजिट करिएगा। वहां पे आपको इग्नू BLIS करके प्लेलिस्ट मिलेगा, उसी प्लेलिस्ट के अंदर जो आपके डाउट्स हो, क्वेरीज हो या फिर लेक्चर्स हो वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल इसमें एक वीडियो है जो कि आप लोगों ने देख रखा होगा, नहीं देखा है तो इसे देख लीजिए। यहाँ पे भी मैंने कुछ डिटेल्स के रिगार्डिंग बात किया है BLIS के बारे में। बाकी इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको अपकमिंग लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। नाउ हम लोग आगे डिस्कशन करें उससे पहले हम लोग प्रीवियस जो देख रखा था कोर्स डिटेल उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे टोटल 10 कोर्सेज हैं। इस 10 कोर्सेज के नेम्स हैं, नेम्स बहुत ज्यादा लेंदी है, इसीलिए नेम्स को सॉर्ट किया गया है कोर्स कोड के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पे कोर्स कोड के कंटेक्स्ट में ही बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं जब कहूंगी BLII 221 तो यहाँ पे बात हो रही होगी लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन एंड सोसाइटी के बारे में, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं कि लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन एंड सोसाइटी के बारे में बात हो रही है। तो हम लोगों का जो पूरा बात होने वाला है कोर्स के थ्रू होने वाला है। यहाँ पे टोटल जो कोर्सेज है उसमें से 9 ऐसे हैं जो कि सब्जेक्ट्स हैं जिसे हमें पढ़ना है, जिसके हमें प्रैक्टिकल्स देने हैं, लेकिन एक 10वां जो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ ये इंटर्नशिप है। इसे हमें कंपलसरी पेपर है ये, बेसिकली इसे हमें परफॉर्म करना है और इसके रिगार्डिंग हम लोगों को रिपोर्ट वगैरह सबमिट करना है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। नाउ आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं जो BLIS के कोर्स से रिलेटेड ही है। 40 क्रेडिट्स का कोर्स है जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात किया था। इसमें से जो 10 ऐसे कोर्सेज हैं, इस 10 कोर्स के अंदर 6 ऐसे कोर्सेज हैं, फॉर एग्जाम्पल BLII 224, BLII 225, BLII 227, BLII 228, BLII 229 और BLII 230, जो कि प्रैक्टिकल कॉम्पोनेंट के हैं। अब यहाँ पे जो प्रैक्टिकल कॉम्पोनेंट की बात कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम देने पड़ेंगे। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल कॉम्पोनेंट है लिखा है ये इस बात के लिए लिखा है कि ये ऐसे सब्जेक्ट है ये 6 जिसे आप प्रैक्टिकली करके समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा, तो इसे प्रैक्टिस करके कंप्यूटर को चलाकर हम लोग प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। लेकिन जो 4 ऐसे कोर्सेज हैं BLII 221, BLII 222, BLII 223 और BLII 226, ये टोटली थ्योरी बेस्ड है, इसे हम लोग प्रैक्टिकली कर नहीं सकते, इसे हम लोग थ्योरी के तरह समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नाउ यहाँ पे एक और डिटेल दिया है कि जो करेंटली इग्नू के अंदर BLIS प्रोग्राम चल रहा है वो इंग्लिश मीडियम में ही सिर्फ चलता है, लेकिन अगर कोई बच्चा असाइनमेंट या फिर टर्मिन एग्जामिनेशन हिंदी मीडियम में देना चाहता है तो वो टोटली वेलकम्ड है। ये बच्चों पे डिपेंड करता है कि अगर वो हिंदी मीडियम में देना चाहता है तो दे सकता है। ये वाले पॉइंट पे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी बात कर रखा था कि जो मैक्सिमम टाइम है इस कोर्स को कम्प्लीट करने का वो 2 ईयर है। फॉर एग्जाम्पल BLIS का जो कोर्स है वो 1 ईयर का है, लेकिन अगर आपका 1 साल में कंप्लीट नहीं होता है तो आप 2 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन 2 साल में भी कंप्लीट नहीं होता तो आप फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपको अगर BLIS करना है तो दोबारा एडमिशन लेना होगा। ना अब हम लोग मूव करते हैं असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं कि किस पर्टिकुलर पेपर के लिए हमें कितने मार्क्स का असाइनमेंट लिखना है। जब हम लोग 70 मार्क्स की बात करते हैं तो यहाँ पे किस किस पेपर का 70 नंबर का असाइनमेंट लिखना है हमें, BLII 221, BLII 222, BLII 223, BLII 225, BLII 226, BLII 227, BLII 228,
लेकिन यहाँ पे दो पेपर जो इधर मिसिंग है, जो 9 सब्जेक्ट है उसमें से दो मिसिंग है, वो कौन है? BLI 224 और BLIE 229। इसके जो असाइनमेंट होंगे वो 35 मार्क्स के ही होंगे। अब यहाँ पे मैंने असाइनमेंट की बात की, चलो ठीक है असाइनमेंट बना लेंगे, कितने मार्क्स का है वो भी जान लिया, पर असाइनमेंट डाउनलोड कहाँ से करेंगे? तो मैं इसी वीडियो में बताती हूँ आपको कैसे डाउनलोड करना है। असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम लोग विजिट करेंगे ignu.ac.in पे। जैसे ही इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आपको दिखेगा डाउनलोड का ऑप्शन। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारे पास वेरियस ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिख रहे होंगे, असाइनमेंट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोगों को फर्दर वो आगे ले जाएगा। अब यहाँ पे आपको चूज करने बोल रहा है आपका जो कोर्स है वो किस प्रोग्राम के अंदर आता है, तो BLIS बैचलर डिग्री प्रोग्राम के अंदर आता है। अब यहाँ पे आप खोजेंगे कि BLIS कहाँ है, तो देखिए BLIS यहाँ देखने को मिल रहा है। अब आप किस सेशन के हैं, आप जनवरी 2022 के हैं, जुलाई 2021 के हैं, आप जिस सेशन के हिसाब से डाउनलोड करेंगे असाइनमेंट। मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेती हूँ जुलाई 2023 या फिर जैन 2024, जो कि अपकमिंग सेशंस है उसके लिए है। तो यहाँ पे इंग्लिश पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगी, इंग्लिश में डाउनलोड करना हो या हिंदी में, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है, जो असाइनमेंट है जिसे मुझे सॉल्व करना है, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। नाउ यहाँ पे असाइनमेंट ओपन हो गया। अब मैं इसे स्क्रॉल करके जब नीचे जाऊंगी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा हमें, जिस जिस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कहा था कि 221 70 मार्क्स का है, तो देखिए यहाँ पे 70 मार्क्स देखने को मिल रहा है। नाउ मैंने कहा था अभी 224 के बारे में कि वो 35 मार्क्स का है, तो देखिए ये रहा 224 कितने मार्क्स का है, 35 का। इसी तरीके से आपको असाइनमेंट के नंबर्स, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से भी देख समझ सकते हैं। तो यहाँ पे असाइनमेंट इस तरीके से डाउनलोड करना है अपने सेशन के अकॉर्डिंग। नाउ हम लोग मूव करते हैं एग्जामिनेशन के ऊपर। एग्जामिनेशन अब किस पेपर के कितने मार्क्स के देने होंगे, अगेन जिन पेपर्स के 70 मार्क्स के असाइनमेंट थे उन्हीं पेपर्स के 70 मार्क्स के आपको एग्जाम भी देने पड़ेंगे। सेम चीज यहाँ पे है कि जिन पेपर्स के आपके 35 मार्क्स के असाइनमेंट थे उसे 35 मार्क्स के एग्जाम भी देने होंगे। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट नोट में लिख रखा है कि जो BLIE 227 वाला पेपर है, यानी कि ये वाला पेपर, यहाँ पे लिखा तो है कि 70 मार्क्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, लेकिन इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो रिटन प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इसका जो एग्जाम है इन सभी पेपर्स के साथ इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्वेश्चन पेपर प्रीवियस यदि देखना है कि प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, तो हम लोग उसे देखेंगे। अगेन उसके लिए भी हम लोग इग्नू की सेम वेबसाइट पे विजिट करेंगे। अगेन इग्नू की जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी, डाउनलोड वाले सेक्शन में भी हम लोग जाएंगे और यहीं पे असाइनमेंट जहाँ से हम लोगों ने देखा था उसके जस्ट नीचे क्वेश्चन पेपर है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पहले ही ईयर आ गया, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो एग्जाम है दो बार कंडक्ट होते हैं, एक बार जून में एक बार दिसंबर में, तो उस हिसाब से आपको जो क्वेश्चन पेपर देखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक कर लेती हूँ दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर देखना है। अब यहाँ पे बच्चे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अगर आप BLIS की बात करेंगे तो BLIS किसके अंदर आता है, किस स्कूल के अंदर आता है, तो वो आता है स्कूल ऑफ सोशल साइंस के अंदर, स्कूल ऑफ सोशल साइंस। अब यही आपको देखने को मिलेगा कहीं पे BLIS फुल फॉर्म लिखा होगा, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हम लोगों के पास क्वेश्चन पेपर अगेन खोजना पड़ेगा, बिकॉज जो सोशल साइंस स्कूल के अंदर जितने होते हैं उन सभी के आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे कि कहाँ पे लिखा है हमारा BLIS। नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, ये रहा बैचलर डिग्री का मिल गया हमें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का। आप देखिए मैंने कहा था ना कि टोटल 8 पेपर के ही एग्जाम होंगे, बिकॉज जो BLIE 227 है उसका एग्जाम बाद में कंडक्ट होगा, वो प्रैक्टिकल पेपर है। तो यहाँ पे अब आपको जिस पेपर का क्वेश्चन पेपर देखना है उसे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल BLIE 221 का देखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी कि इसका क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाए। यहाँ पे क्लिक करते ही थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होते हुए आपको दिखेगा। नाउ क्वेश्चन पेपर आ गया। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे ये क्वेश्चन पेपर है, और क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का है,
70 मार्क्स का, जैसा कि मैंने कहा था। सेम चीज मैं एक बार बैक करना चाहूंगी और आप लोगों को 2-4 का क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहूंगी, सो दैट वो 35 मार्क्स का है या नहीं है वो आप लोग देख ले। तो ये रहा BLI 2-4 का, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 35 मार्क्स का। तो यहाँ पे आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस पेपर का एग्जाम कितने मार्क्स का है ना। हम लोग अगेन अब आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कशन को देखते हैं। अभी आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि ये जो BLI 227 है, इसका तो क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिला, इसका होगा क्या? ये रिटन प्रैक्टिकल एग्जाम है, मैंने कहा कि साथ में एग्जाम भी कंडक्ट नहीं होगा, तो टेंशन नहीं लीजिए, इस वीडियो में आपके सारे डाउट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इससे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक बात किया कि कुछ ऐसे पेपर है जो 70 मार्क्स के असाइनमेंट कैरी कर रहे हैं और 70 मार्क्स के एग्जाम कैरी कर रहे हैं, तो क्या वो 140 मार्क्स का हो जाएगा? नहीं, बेसिकली जो असाइनमेंट का 70 मार्क्स है उसको आगे चल के इवेलुएट करके 30 मार्क्स के बराबर कर दिया जाएगा और 70 मार्क्स आपका एग्जाम का। वही चीज मैंने आपको BLIS के प्रोस्पेक्टस से डाउनलोड किया है, इग्नू के प्रोस्पेक्टस से, बेसिकली BLIS कोर्स के अंदर से, कि 30% जो है वो असाइनमेंट का कैरी करेगा और 70% आपका जो टर्म इन एग्जामिनेशन होगा उसका कैरी करेगा। नाउ मूव करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में। प्रैक्टिकल्स बेसिकली 3 पेपर के होने हैं, पहला BLIE 224 और दूसरा BLIE 229 और एक कौन बच रहा है, BLIE 227, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इन्हीं 3 पेपर्स के आपके प्रैक्टिकल होने हैं, लेकिन जो 224 है और 229 है उसका जो प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स का है। अब इसका जो प्रैक्टिकल होना है ये ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है और ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके स्टडी सेंटर पे। और इसका जो एग्जाम होना है वो 1.5 आवर्स यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम कंडक्ट होगा। अब ये नहीं कि दोनों का एग्जाम 1.5 घंटे में हो गया, इसका अलग से 1.5 घंटे का एग्जाम होगा और इसका अलग से 1.5 घंटे का एग्जाम कंडक्ट होगा। तो ये डिपेंड करेगा आपके स्टडी सेंटर पे, तो थोड़ा टच में भी रहना होगा अगर आप ऐसे कोर्सेस कर रहे हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल भी है। नाउ आगे अब हम लोग 227 का जो राज है उसे खोलते हैं। बेसिकली ये एग्जाम ही है 227 का, इसका जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना तो वहां पे 227 का मेंशन रहेगा डेट, लेकिन ये जो डेट है उस डेट को एग्जाम कंडक्ट नहीं होंगे। इसका एग्जाम का जो डेट है ऑफिशियल वो आपके ईमेल पे आएगा, उसी ईमेल पे जिसमें आपने एडमिशन लेते टाइम अपना ईमेल आईडी फिल करा था, उसी ईमेल पे आपको एग्जाम का डेट आएगा। अब एग्जाम का डेट कब आएगा, जो नॉर्मली एग्जाम अदर पेपर्स के कंडक्ट हुए हैं उसके 10-15 दिन के बाद हो सकता है। अगर आपका ना आए 10 दिन के अंदर तो आपको थोड़ा स्टडी सेंटर के कांटेक्ट में भी रहने की जरूरत है, सो दैट आपका एग्जाम छूट ना जाए। अब यहाँ पे जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे उसके क्या क्या टॉपिक्स होंगे, तो देखिए सबसे पहले 2 टॉपिक्स हैं और दोनों टॉपिक्स का 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। पहला जो टॉपिक है वो DDC है, जिसके बारे में हम लोग अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स में बात करेंगे, और दूसरा जो टॉपिक है AACR 2R एंड मार्क 21 है, इसके बारे में भी हम लोग अपकमिंग वीडियो लेक्चर में और डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे इस पेपर का आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि इसका जो एग्जाम है सभी पेपर के एग्जाम के साथ ना हो करके 10-15 दिन के बाद होगा। इसके एग्जाम के डेट के रिगार्डिंग आपको ईमेल आईडी में मिलेगा, नोटिफिकेशन आएगा इग्नू के तरफ से, और नहीं आता है तो आप खुद अपनी स्टडी सेंटर से कॉन्टेक्ट करेंगे। लेकिन एडमिट कार्ड में इस पेपर का डेट मेंशन होगा, लेकिन उस डेट को इसका प्रैक्टिकल कंडक्ट नहीं होगा। तो ये हुआ प्रैक्टिकल की बात। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रैक्टिकल देखा था 224 और 229 का, मैंने कुछ इवेलुएट किया तो देखा कि कुछ ऐसे स्टडी सेंटर्स हैं जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाते, लेकिन जो असाइनमेंट है ना, असाइनमेंट आप लोगों को मैंने सिखाया कैसे डाउनलोड करना है, जब आप डाउनलोड करेंगे ना तो 224 और 229 का उसमें प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन पेपर भी है। तो कुछ ऐसे स्टडी सेंटर है जो उसी प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन सबमिट करवा लेते हैं असाइनमेंट की तरह, लेकिन अगेन मैं ये कहूंगी कि ये आपके स्टडी सेंटर पे डिपेंड करता है कि क्या वो प्रैक्टिकल के आंसर सबमिट लेगा या फिर वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आप अपने स्टडी सेंटर से ज्यादा बेहतर जान सकते हैं।
नाउ यहाँ पे हम लोगों ने प्रैक्टिकल के बारे में भी बात की, ऑल्दो हमें इंटर्नशिप के रिगार्डिंग भी डिस्कस करना था जो कि कंपलसरी है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि एक्शन रिक्वायर्ड है, लेकिन इंटर्नशिप एक ऐसा टॉपिक है जिसपे खुद अकेले 15 से 20 मिनट का आराम से एक वीडियो बन सकता है, तो इंटर्नशिप पे डेडिकेटेड रहेगा मेरा अपकमिंग वीडियो। यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों को हिंट दे देती हूँ, यहाँ पे इंटर्नशिप को डिस्कस करने की मैंने बात की है, इसलिए देखिए बेसिकली जो इंटर्नशिप है वो कंपलसरी है, लेकिन इग्नू एक ऐसा संस्था है जहाँ पे वैसे लोग भी पढ़ते हैं जो जॉब में हो या किसी और कोर्स में इनरोल हो रेगुलर बेसिस पे, तो वैसे लोग भी रहते हैं, तो ऑफ कोर्स जो इंटर्नशिप कंपलसरी है उसका कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव होगा ना, तो उन्हीं अल्टरनेटिव को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक्चुअली में यदि आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो उस इंटर्नशिप के अंदर आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इन सभी डिटेल्स को हम लोग अपकमिंग वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, बाकी अभी भी आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं dailywise_nupur और मुझसे जुड़कर अपने जो भी डाउट है उसके सॉल्यूशन इजीली पा सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग dailywise से परचेज कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट डीएलआईएस के जितने पेपर है, जो 9 पेपर है जिसमें आपको असाइनमेंट बनाने हैं, उन सभी के असाइनमेंट आप परचेज कर सकते हैं जो कि टोटली सॉल्व है, आपको उसमें कुछ नहीं करना, आपको बस देखना है और सेम चीजें आप लिख सकते हैं। इनफैक्ट आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में असाइनमेंट परचेज कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडिया के थ्रू, सो दैट आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, उसके सॉल्यूशन आपको तुरंत ही मिल जाए। इन सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो योर ड्रीम्स एंड डू कमेंट योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ आपकी जो भी क्वेरीज है उन सभी को भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, सो दैट अपकमिंग वीडियो में मैं आपकी सभी डाउट्स को कवर कर सकूं। थैंक यू।